मैं ये मानता हूँ कि मिस लियाकत जो हैं वो अपनी इस प्रेस्टीज को इतना बड़े दांव पे लगा देंगी, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट एट दिस मोमेंट। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका ये जो रहा है, आपने रूबिका लियाकत जो प्राइम टाइम शो करती हैं कि उन्होंने मोदी के बारे में बोला। देखिए आज का मीडिया जो है ना, मैं ये क्लियरली देख रहा हूँ, दो पार्ट में क्लियरली बट गया है, मोदी वर्सेस अदर हो गया है या बीजेपी वर्सेस अदर हो गया है। तो ये भी ये मीडिया वालों ने नहीं किया, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस सपा बसपा सबने मिलके इस चीज को कर दिया। इसका उदाहरण है कांग्रेस और विपक्ष ने एक बार मीडिया का जो है बहिष्कार कर दिया, बोला हम आपके यहाँ जाएंगे नहीं, साल 1.5 साल तक गए नहीं वो, जबकि होना ये चाहिए था। देखिए अगर आप विपक्ष में हैं या पक्ष में, तो आपके खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, पक्ष में भी बोलेंगे खिलाफ भी बोलेंगे। बहिष्कार कर देना ये उपाय नहीं है कोई, आपको चाहिए कि आप अच्छे प्रवक्ता बैठाइए जो डट के, मैं बोलता हूँ एक रूबिका लियाकत क्या, अगर आपके पास ज्ञान है हुनर है तो 100 रूबिका लियाकत को एक साथ बैठा दीजिए, आप चाहे कांग्रेस या बीजेपी के फेवर में बोलिए, लेकिन आप बाजी मार ले जाएंगे, आप अपनी बातों को कन्विंस कर ले जाएंगे। इसका उदाहरण है इंदिरा गांधी जी जब हारी थी तो उनके पास ऑफिस भी नहीं था, कैसे उन्होंने थोड़े दिनों में पूरे देश की जनता को कन्विंस किया, 80 करोड़ की जनता को कन्विंस किया। आपके पास लॉजिक होना चाहिए और थॉट प्रोसेस। विपक्ष के लोग अगर ये बोले कि प्रवक्ता एनालिस्ट और एंकर्स मीडिया वाले सब मिले हुए हैं, भाई आप भी उसी पैनल में बैठते हैं, 1 घंटे की डिबेट होती है, बराबर का मौका मिलता है, आप तर्कों में क्यों चूक जाते हैं?